हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का जो एक पद निकला था डाटा एंट्री ऑपरेटर, उससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं। दोस्तों, इसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और इसके एग्ज़ाम के जो डेट्स हैं वो हैं 21 से 27 अगस्त 2019। तो इसी बीच इसके सारे एग्ज़ाम होंगे और अलग अलग स्लॉट में होंगे क्योंकि एक ऑनलाइन पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए इससे संबंधित सारे जानकारी जो है हम डिटेल्ड वे में आगे वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स मैं डालता हूँ अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत DEO के पदों की संख्या जो है वो देख लेते हैं। पहला आप देखेंगे अंबिकापुर क्षेत्र में टोटल 84 पद हैं और अलग अलग वर्गों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अनारक्षित 11, अनुसूचित जाति 2 और अनुसूचित जनजाति का 55 पद है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि क्रीमी लेयर को छोड़कर हैं उनके लिए 16 पद हैं यहाँ पे। जबकि जगदलपुर का देख लीजिए सेकंड नंबर में, यहाँ पे कुल 83 पद हैं, अनारक्षित है इसमें 5, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 73 है और इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि क्रीमी लेयर को छोड़कर हैं वह है 4 यहाँ पे। इसके बाद अब रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव का देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इनके लिए अनारक्षित जो है वो 216 है, अनुसूचित जाति के लिए 64 और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि क्लीमरी वर्ग को छोड़कर है वो है 83 और कुल योग जो है वो है 463। इसके बाद चौथे नंबर का देख लीजिए, CSPTCL यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो इसके अंतर्गत DEO के कुछ पद हैं, देखिए नीचे कुल योग 40 है जिसमें से अनारक्षित जो है वो 15 है, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ एक भी नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर योग 40 का है। चलिए दोस्तों, अब हम लिखित परीक्षा के बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर प्रश्न जो है वो 200 हैं जबकि कुल अंक जो है वो भी 200 हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के पीछे आपको एक नंबर मिलना है। नीचे नोट पे आप देख सकते हैं, देखिए प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी आपकी। इसके अलावा दोस्तों, लिखित परीक्षा का सिलेबस देख लीजिए, यहाँ मैंने सिलेबस जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से निकाल के यहाँ पे रखा है। देख लीजिए, सामान्य ज्ञान है इसमें जो कि 50 अंकों का रहेगा, सामान्य कंप्यूटर 30 अंक का है, सामान्य मानसिक योग्यता 30 अंक का होगा, सामान्य गणित 30 अंक, सामान्य हिंदी जो कि व्याकरण रहेगा वो 40 अंक का होगा और सामान्य अंग्रेजी ये भी व्याकरण है ये भी 20 अंक का होगा। नीचे आप नोट पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा के कुल 200 अंकों में से 40% अंक अर्जित करने वाले अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार एवं 30% अंक अर्जित करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी कि जो कौशल परीक्षा है उसके लिए सफल माने जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो जनरल और OBC हैं उनको 40% मार्क्स लाने ही हैं जो कि 200 का 40% होगा यानी कि 80 मार्क्स। और इसके अलावा जो है यहाँ देखिए, SC और ST वालों के लिए 30% मार्क्स यानी कि 200 का 30% हो गया आपका 60 मार्क्स। तो इतने आपको कंपलसरी लाने ही हैं तभी आप अगले जो अगला कौशल परीक्षा होगा उसके लिए क्वालिफाई होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि आप जितना से जितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं रिटर्न में कर लीजिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आपका जो रिटर्न का मार्क्स होगा और कौशल परीक्षा जो है उसका मार्क दोनों काउंट होकर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए लिखित परीक्षा में। चलिए दोस्तों, अब हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है आपको, आपको उसको क्लिक करना है तो ऐसा कुछ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर में आपको जो आपके डिटेल्स होंगे जब आपने फॉर्म भरा होगा उसमें दिया होगा एप्लीकेशन नंबर, वो आपको यहाँ पे पुट करना है और उसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पुट करना है। फिर आपको लॉगिन क्लिक करना रहेगा तो आपका पूरा जो डिटेल है और एडमिट कार्ड है वो आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वही आपको वहाँ पे लेके जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी एवं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें ये बताने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।